अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब कैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ भरवा टिंडे। आधा किलो टिंडे लिए हैं, इनको इस तरह करके काट लें। टिंडों की स्टफिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। एक प्याज, एक टमाटर, 4 से 5 अदद लहसुन ले लें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें, 2 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना, ग्रीन चिलीज 2 अदद, 1/2 टेबलस्पून कलौंजी या कलौंजी का पाउडर ले लें, क्रश सूखा धनिया 1/2 टेबलस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून, बेसन 2 टेबलस्पून, क्रश जीरा 1/2 टेबलस्पून, नमक, हसबे जायका। मसाला तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 3 अदद चॉप्ड प्याज, 2 अदद टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1/2 कप ऑयल, राई दाना 1/2 टेबलस्पून, जीरा 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक हसबे जायका। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लिए हैं और 2 सब्ज मिर्चें लिए हैं। पैन में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल गरम हो गया है। सब्ज मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दें। जीरा और नमक ऐड कर देंगे। कलौंजी और क्रश धनिया ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड कर देंगे। अब मैं इसको चॉपर में ग्राइंड कर दूंगी। ये मैंने ग्राइंड होने के लिए चॉपर में डाल दी है। अब इसमें बेसन ऐड कर देंगे। अब मैं इसको ग्राइंड कर दूँ। टिंडों की स्टफिंग करते हैं। ये इस तरह आप जो है सारा मसाला जो हमने ग्राइंड करके तैयार किया था अंदर इसके अंदर फिली कर लेंगे। इस तरह सारे तैयार कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, अब मैं इसमें राई दाना और जीरा ऐड कर दूँ। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर और नमक ऐड कर देंगे। सूखा धनिया पाउडर और हल्दी ऐड कर देंगे। मसाला तैयार हो गया है, अब मैं इसमें अपने स्टफ टिंडे ऐड करती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, अब चेक करते हैं। ये देखिए, अब हमारे टिंडे तैयार हो गए हैं। अब हम गार्निशिंग करेंगे। हरा धनिया डालेंगे, ग्रीन चिलीज डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी।